क्लास एट मैथ्स चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हम करेंगे। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हो। दो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि जो भी हमारे पास में सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसके कोण भी बराबर होते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पांच भुजा वाला हो, छह भुजा वाला हो, कुछ भी हो, अगर भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर होंगे। और जब भी कभी हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो बाहर के कोणों की जब हम बात करेंगे तो उनका योग हमारे पास में 360 डिग्री होता है। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, लिखेंगे माना प्रत्येक कोण की माप, लेट द ईच एंगल इक्वल्स टू कितना, x डिग्री मैंने लिख दिया मान लो। अब सारे कोण x x x x डिग्री के, मान लीजिए ये कोई मेरे पास में भुजा है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारे x x x हैं, तो और 9 साइड्स हैं उसके अंदर, तो 9 कोण होंगे, तो 9 x जमा x जमा x जमा x 9 बार जोड़ूंगा तो 9 x आएगा, और ये किसके बराबर है बच्चे, 360 डिग्री के बराबर है। बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिख भी सकते हैं आप बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल्स टू 360। अब बेटा x यहां है बराबर 360 बटे, यहां देखो 9x के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, यहां जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 9 कम 9 9 चौक 36 0, x का मान आपके पास में आ गया 40 डिग्री, यानी 15 अगर साइड हो, सॉरी 9 साइड हो और सारी साइड्स बराबर हो तो प्रत्येक कोण आपका कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। सेम आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे 15 भुजाओं वाला, ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सम बहुभुज की भुजाएं, कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आपको यह बताना है कि जो भुजाएं हैं वो कितनी होंगी, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आपको बताना है। तो भुजाएं जितनी होंगी उतने ही क्या होंगे, कोण भी होंगे, जितने कोण होंगे उतने ही भुजाएं भी होंगी, सिंपल है ना। तो यहां पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिखेंगे कि माना कोणों की संख्या, यही चीज समझने की है एक्चुअली। लेट द नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। हाँ, यहां पर भी लिख देते हैं जो किसके बराबर है, भुजाओं की संख्या के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द साइड्स। अब बेटा जितने कोण उतनी भुजाएं, बराबर है दोनों की दोनों, एक कोण है 24 डिग्री का, सारे कोण 24 डिग्री के होंगे, और 24x बराबर में 360 आ जाएगा, सारे कोणों का योग x जमा x जमा x 24 जमा 24 जमा 24 जमा 24 सारे कोणों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 360 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 360 बटे का 24, 6 से दोनों कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 चंग 36 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6 और 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 5, एक्स का मान आ गया आपके पास में 15। कहने का मतलब है कि कोणों की संख्या कितनी होगी, 15, और साइड्स की संख्या भी कितनी होगी, 15। तो हम बोलेंगे कि कितनी भुजाएं होंगी, भुजाएं
यानी इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी होंगी बच्चे, 15 होंगी। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। जिससे पहले थर्ड जो क्वेश्चन किया था उससे अलग क्वेश्चन है। देखो कोई भी हमारे पास में बहुभुज है, ये मैं एक पांच भुजाओं वाला बहुभुज बनाता हूं, जब मैं इसके अंदर के कोणों, ये यहां से ये मेरे पास एक बहुभुज बनेगा बच्चे, और जब मैं इसके कोणों की बात करूंगा एंगल्स की, चाहे मैं बाहर के एंगल की बात करूं तो आप 1 2 3 4 5, अंदर के एंगल की बात करूं 1 2 3 4 और 5, साइड्स की बात करूं 1 2 3 4 5, कोई भी बहुभुज हो कितनी जितनी भुजाएं उतने उसके अंदर क्या होंगे, कोण होंगे। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या होती है। और जब हम बात करते हैं सम बहुभुज की, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की, तो वहां पर जितनी बराबर कोण होंगे और भुजाएं भी सारी बराबर होंगी आपस में। भुजाओं का माप अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। अगर एक कोण 30 डिग्री का है तो सारे कोण 30 डिग्री के होंगे। यहां पर क्वेश्चन है कि आपको अंतः कोणों का माप आपको दे रखा है, अंदर के कोण का माप आपको दे रखा है 165, सारे 165 होंगे। साइड्स निकालनी है कितनी है, मैंने तो वैसे लिख दिया 5 आपको समझाने के लिए, मगर है कितनी भुजाएं उसको हमें जांच करना है। तो कितनी भुजाएं हैं अभी जांच कर लेते हैं, मगर अंदर के कोण, कोणों का योग, देखो बेटे बाहर के कोण का आ जाए, तीनों पांचों कोणों को कितना ही हो, चाहे वो 3 भुजाओ, 4 भुजाओ, 5 भुजाओ, 8 भुजाओ, कितनी, सारे बाहर के कोणों का योग आपके पास में 360 डिग्री होता है, दैट्स इट। मगर जब बात करेंगे अंदर के कोणों की, तो अंदर के कोणों का जो माप होता है वो कितना होता है, वो हमें पता लगता है भुजाओं के संख्या के अनुसार। समझ गए? तो हम यहां पर ज्ञात करते हैं, बोल रहे भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, अंतः कोण का एक माप दे रखा है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। मगर इसको करने से पहले यहां एक चीज समझनी है आपको, कि आप यहां लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या बराबर है कोणों की संख्या, ये बहुभुज का रूल है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, जितने कोण उतनी भुजाएं। समझ गए बात को? ये आपका रूल आ गया। अब समझना है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए भाई, जब हम कोण निकालते हैं तो हम यहां लिखते हैं कोणों का माप, जब सॉरी कोण, अंतः कोणों का माप, पूरा लिखेंगे अंतः कोणों का माप, इंग्लिश में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता रहा हूं आपको, क्या लिखते हैं हम, भुजाओं की संख्या -2, ये करने के बाद गुना में कर देते हैं 180 से गुना। ठीक है, इंग्लिश में नंबर ऑफ साइड्स -2, ये पहले सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें तो भुजाओं की संख्या दे ही नहीं रखी, परंतु कोणों की संख्या हमें दे रखी है। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने क्या होंगे, कोण होंगे। तो हम यहां लिख देते हैं कि माना भुजाओं की संख्या, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले पर चलते हैं, भुजाओं की संख्या एक्स माइनस कर देंगे 2 से, गुना कर देंगे 180 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल कोण आ जाएगा, कोण। ठीक है ना, हमारे टोटल कोण कितने हैं, जितनी भुजाएं हैं, भुजा कितनी है, एक्स भुजाएं हैं, तो कोण कितने होंगे, एक्स ही कोण होंगे। और एक कोण का माप कितना है, 165 डिग्री है, तो इसको गुना कर देंगे 165 से। समझ गए?
दोबारा समझाता हूं, एक्स भुजाओं की संख्या माइनस में क्या दो फॉर्मूले का, और जो आएगा आंसर उसको 180 से गुना कर देते हैं, और ये किसके बराबर होता है, कुल कोणों की माप के बराबर होता है, जितने भी एंगल है उनका टोटल हमें निकल कर आएगा, 180 है, 360 है, 540 है, जितना भी है 180 साइड्स के हिसाब से प्लस होता जाता है। अब यहां पर हमारे पास में हमें पता नहीं कोण कितने, तो हमने देखा भाई एक कोण 165 डिग्री और सारे कोण होंगे बराबर, इसीलिए हम उसे एक्स से यानी कि नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल से हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया कि सारे कोणों से हमने उसे गुना कर दिया, तो एक्स जितने कोण होते हैं या हमने लिख ही रखा है यहां पर कि जितने भुजाओं की संख्या होगी उतनी कोणों की संख्या होगी, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, समझ में आ रही है। अब हम फॉर्मूले को पुट कर देंगे, 180 को एक्स से गुना करेंगे तो 180x माइनस 180 को 2 से तो 18 दूनी 36 का 360 आ गया, बराबर में 165x आ गया। बेटा x x वाली संख्या एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 180x माइनस में 165x बराबर 360, माइनस क्या उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 180 में से 165 जाएगा तो आपके पास 15 बचेगा, x बराबर 360 70 और 15 बचेगा, तो x का मान कितना आ गया बच्चे 360 बटे 15। अब 15 से भाग 5 से भाग कर लेते हैं, 5 3 15 5 7 35 1 बचा 5 दूनी 10, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया बच्चे 24, यानी कि एक ऐसा बहुभुज है जिसका प्रत्येक कोण 165 डिग्री का होगा और कितनी भुजाएं होंगी इसके अंदर 24 भुजाएं होंगी, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू कितना 24, 24 आपका आंसर आएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते समय कि आपको बाहर के कोण दे रखे हैं या अंदर के कोण दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ गए बात को, थैंक यू सो मच, नोट करिए इसको।